वेल हेलो गाइस, सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना ड्रीम हाउस दिखाऊंगी, वो भी पार्ट टू। यहाँ पर नए नए तरह के किचन्स हैं, लिविंग रूम है, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग, स्टडी और भी बहुत ढेर सारे रूम्स हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने ड्रीम हाउस में। तो यहाँ पर पहले हम चलते हैं मेट बॉक्स में। यहाँ पर मतलब ये मेरा रूम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कचरा था, तो यहाँ पर गंदगी फैल गई, इसलिए हमने इसको ऊपर कर दिया है। और यहाँ पर है मेल बॉक्स, यहाँ पर टाइप हर टाइप के मेल्स होते हैं। ये मैंने हॉट ग्लू गन से चिपका दिया है। और ये मेरी बारबी की कार है। तो ये फ्रेंड्स ये चलती भी है। इसके अंदर भी बहुत मतलब सारी चीजें हैं। हाँ तो ये मैट है। और ये देखिए यहाँ पर वेलकम टू बारबी ड्रीम हाउस, ये बेल है। और यहाँ पर मैंने इसलिए खाली रखा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोस्टर चिपका सकते हैं, कोई भी पोस्टर जो भी हो चिपका सकते हैं। और ये मैट है और ये ऐसे जाता है बारबी के रूम में। तो यहाँ पर देखिए पहले बारबेक्यू हुआ, ये बारबेक्यू मैंने खुद से बनाया। बस यहाँ पर मैंने दवा ली है, उसका मतलब बोतल लिया। अगर यहाँ पर होल है, ये मैंने प्लास्टिक बोतल थी उससे बनाया होल है। अगर यहाँ पर कोई भी सामान चला जाता है हमने कहा ढक्कन खोल कर निकाल लेते हैं नीचे से। हाँ तो ये हमारी बालकनी है फ्रेंड्स, ये हमारी बालकनी है। पहले यहाँ पर मैंने रियल फ्लावर्स रखे, तो अब नहीं रखे क्योंकि वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर एक पानी देने वाला है, प्लांट्स को ऐसे ही मैंने बनाया है। यहाँ पर एक मिट्टी है, मैंने उसको खाद बना दिया है। और यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, ये रियल तो नहीं है, पेपर की बनी है। यहाँ पर ये जितने भी फ्लावर्स है और मतलब फ्लावर्स जो भी हैं, आपको देख कर लग रहा हो ये हैंडमेड नहीं है, ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, वो सारे हैंडमेड नहीं है। नहीं तो सारे जितने मैंने बनाए हैं वो सारे हैंडमेड हैं। तो ऐसे जाता है मेरे डॉल लिविंग रूम में। ओह वाओ इट्स अ ग्रेट। तो फ्रेंड्स पहले चलते हैं हम अपने पियानो में। तो आपने जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें पियानो नहीं था, ये मैंने कल ही बनाया था। तो ये देखिए टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, यहाँ पर एक बारबी का स्टिकर लगा है। यहाँ पर नीचे गॉगल भी मैंने खुद से बनाया। और ये है एक ऐसे ही मैंने बना दिया टॉय है। यहाँ पर नीचे है केक और कुछ वगैरह। और ये वो है सीट है, यहाँ पर बारबी बैठ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आता है एक बेल आती है। तो इस पूरे लिविंग रूम को मैंने वाइट शेड दिया। तो फ्रेंड्स पहले चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक वॉल हैंगिंग मैंने बनाई है। वॉल हैंगिंग बहुत इजी है बनाना, बस ऐसा करो टांग दो हो गया। और यहाँ पर एक फ्लावर है, ये रियल फ्लावर नहीं है। यहाँ पर बर्गर, सैम पिज्जा, वो सारे नॉन वेज वगैरह है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मैट है, यहाँ पर एक सोफा। ये सोफा फ्रेंड्स ये मैंने मतलब साबुन का डब्बा था उससे बना लिया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने स्टिकर्स चिपका दिए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये सारे बटरफ्लाईज हैं, रेनबो, थ्री स्टिकर्स। तो ये एक बैठने वाला है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते, कॉफी वगैरह सारी चीजें यहाँ पर इस पर रख सकते, ये ऐसे पैर पर भी रख सकते हैं। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये स्टडी टेबल है। तो यहाँ पर सब वगैरह बुक्स, ये ड्रॉ नहीं है, मैंने ऐसे बनाई थी। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्लॉक है, लैंप है, बी बारबी का सर्टिफिकेट, बुक्स, सब मैट। और यहाँ पर रापंजल की फोटो बनी हुई है, एक टीवी एलईडी टीवी है। और यहाँ पर एक रिमोट है, ये वॉल वाली मैंने बना दी है। हाँ तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अपने किचन में। तो किचन देखिए फ्रेंड्स ये भी मेरा हैंडमेड है।
तो देखिए यहाँ पर पहले टू सीड्स आती हैं। ये सीड्स मैंने बनाई हैं कार्डबोर्ड से, और ये भी कार्डबोर्ड, और एक दवा थी उसका ढक्कन है, ये मैंने उससे ही बना लिया है। इसको हम ऐसे रख भी सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना, सारी इरेजर है वगैरह सारी चीजें हैं। यहाँ पर टिश्यू पेपर है, इसको हम इस साइड रख देते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर वेस है, यहाँ पर एक मैट है, और वहां पर एक बारबी की फोटो है। बारबी की फोटो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक जो जो वाटर वाला नहीं होता है वो मैंने बना दिया है यहाँ पर। यहाँ पर बारबी वाटर ले सकती है। और यहाँ पर फ्रेंड जो ग्लास है ना, वो मैंने जो कोलगेट का ढक्कन नहीं होता उससे बना दिया। अब चलते हैं फ्रिज को खोलते हैं। ये फ्रिज को मैंने रबर से कर दिया क्योंकि ये फ्रिज पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बनी है। मैं उसको ओपन कर, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए फ्रिज है। यहाँ पर सम जूस, मसाले वगैरह, सम पेस्ट्री, चपाती, आइसक्रीम, जूस, टॉफी वगैरह सारी चीजें रखी हैं। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर है फ्रीजर। फ्रीजर में एक रखा है एग वाला जो नहीं होता है, वो मैंने कर दिया है। तो ये जो फ्रेंड्स फ्रिज थी ना, मैंने इसको ऐसे ही कर दिया था व्हाइट कलर में, क्योंकि फ्रिज ज्यादातर व्हाइट कलर में ही होती है। यहाँ पर एक और ग्लास है, रख देते हैं। यहाँ पर एक वाटरमेलन है, ये तो वैसे शार्पनर है, मैंने इसको वाटरमेलन की तरह रख दिया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्लासेस हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पर कढ़ाई है, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर वैसे मतलब प्लेट्स हैं, थाली, और यहाँ पर प्लेट्स हैं। सम वीट जो गेहूं वगैरह सारी चीजें होती नहीं है वो है मेरी डॉल की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और अलमीरा है। यहाँ पर राइस, पर्ल्स, ग्राम, फ्लोवर रखा है। यहाँ पर दो वेजी मतलब दो में वेजिटेबल रखी, वहां पर भी वेजिटेबल है, वहां पर मिठाई वगैरह सारी चीजें रखी हैं। तो ये देखिए, ये सिंक है, सिंक है, मैंने सिंक बना दी है। ये तो जो ये था ना, ये बेंगल बॉक्स नहीं होता है, मतलब चूड़ी का डब्बा वो होता है ना, मैंने उससे बना दिया था। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फ्राई पैन, फ्राई पैन, फ्राई पैन, यहाँ पर फोर फ्राई पैन, और कढ़ाई है, यहाँ पर एक ग्रेटर है, कद्दूकस, यहाँ पर भी एक फ्राई पैन है, यहाँ पर थाली है, और ये देखिए यहाँ पर एक है साफ करने वाला, यहाँ पर एक नाइफ है, और यहाँ पर एक वो है क्या कहते हैं जो कलछुल वगैरह नहीं होता वो है। तो यहाँ पर देखिए चॉपिंग बोर्ड है, ये मैंने ऐसे बना दिया है टांगने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर है बहुत ढेर सारे जंक फूड्स हैं, और वहां पर भी है वो जो होता है केक है, और वगैरह सारी चीजें हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलते हैं नीचे वाले में। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मेरा ड्राई बॉक्स था, उसे मैंने करके ये बना दिया है। ये बहुत इजी है बनाना, सिर्फ ऊपर ऐसे कवर लगा दो, नीचे एक खूब मुलायम सा बोलो, फिर ऐसे बंद कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये मैंने कैसे लगा रखी है पोल, ताकि कार्डबोर्ड का बना होता है ना वो नहीं होता, जो वो वाला था वो प्लास्टिक का था। यहाँ पर एक सोफा है, मैंने कहा था ना यहाँ पर ज्यादातर चीजें दो दो हैं। यहाँ पर एक फ्लावर है, सोफा, पिलो स्टोरी स्टफी पिलोज है, ये भी मैंने खुद से बनाई है। वहां पर कार है, वो तो इरेजर है वो भी, और वहां पर एक फ्लावर वेस है, वहां पर बारबी की फोटो लगी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गिफ्ट्स हैं, वहां पर वगैरह क्रिसमस ट्री है, ये भी क्रिसमस ट्री मैंने खुद से बनाई है। यहाँ पर एक टीवी है, और एक एक्सरसाइज करने वाला, यहाँ पर मैंने इसको येलो शेड में दिया है। हाँ तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैट बना लिया है, ये मैट भी अच्छा लगता है। और वहां पर फ्रेंड देखिए एक ऐसा है, यहाँ पर हैंगर वगैरह रख सकते हैं। और चलते हैं अपने ऊपर वाले रूम में, वेट। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बैठने वाला बना है,
इसमें मेरे डॉल्स बैठ सकते हैं। अभी मैं लास्ट में आपको अपनी डॉल से मिलवाऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे चीजें रखी, हेयर नेकलेस, दो नेकलेस है बार्बी के, क्योंकि मेरे पास दो डॉल है बार्बी की। यहाँ पर एक मेकअप बॉक्स है और एक आईब्रो शेड है, मतलब जो भी रहता है। मुझे मेकअप के बारे में वैसे ज्यादा मालूम नहीं है, वैसे ही बना दिया मैंने मोबाइल में देखकर। यहाँ पर एक बेल्ट है, मुझे बार्बी के साथ मिली थी, और यहाँ पर भी एक बेल्ट है। ये तो वैसे वो था, मैंने इसको भी कर दिया। तो यहाँ पर जो बार को सीधा नहीं करते बाल को, वो है, जो बाल को सीधा नहीं करते वो है। और यहाँ पर एक पर्स है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, इसको हम खोलते हैं। रुक जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर रबर है, यहाँ पर बार्बी की फोटो लगी है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए फोटो लगी है, और यहाँ पर एक ट्रॉली बैग है। पर मैंने ये भी मैंने खुद से बनाया है, ये बहुत इजी है बनाना। ये मैंने अगरबत्ती जो नहीं होती है उससे बनाया है। इसको यहाँ पर हम रख देते हैं, दिखाते हैं अंदर आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, वहाँ पर है नेकलेस, और यहाँ पर है पर्स, ऊपर वाले में है मिरर, यहाँ पर भी है पर्स भी है, बहुत ढेर सारी। यहाँ पर हम इसको, वहां पर देखिए लिखा है बी और बाय लविंग माई सेल्फ। यहाँ पर भी एक बार्बी की फोटो लगी है, और यहाँ पर एक स्टैंड है, यहाँ पर हेयर कॉम करने वाला रखा नहीं रहता है, वो मैंने रख दिया है। यहाँ पर एक बैठने वाला, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई, अरे मैट है। तो चलते हैं इसके ऊपर वाले में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है डॉल का वैसे बैठने वाला, यहाँ पर बैठ सकते हैं डॉल्स। यहाँ पर भी ये मैंने पेपर से बनाया है फ्रेंच फ्राई, और यहाँ पर ये बीच बैग है, ये भी मैंने बलून से बनाया। ये बहुत इजी बनाना नहीं है, वैसे था मेरे पास तो मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर भी बैग्स हैं, और ऊपर वाले में हेयर कॉमर मतलब कॉम है, और यहाँ पर एक हेयर बैंड है। ये हेयर बैंड बनाना बहुत ही इजी है, मेरे पास दो है अभी, बहुत हेयर बैंड्स, मैं आपको दिखाई नहीं हूँ। और यहाँ पर एक अम्ब्रेला है, एक स्टिक है, अम्ब्रेला ओपन नहीं होता है फ्रेंड। हाँ तो ये देखिए, ये बैठने वाला है। यहाँ पर एक कैंडल है, ये जलती है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये पेपर से बनाना डॉल है तो कहीं भी जल सकता है, अग लग सकती है। तो यहाँ पर एक डायमंड रखा है, ये बहुत शाइन कर रहा है। यहाँ पर भी है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेबल फैन है। ये जो ड्रेस वाला था ना, ये एक साबुन का डब्बा था, मतलब सॉरी साबुन मतलब शैम्पू का वो था, तो मैंने इसे ऐसे करके बना दिया। यहाँ पर ड्रेस बार्बी की सबसे अच्छी वाली दिखता है। वहाँ पर एक बार्बी का स्टिकर है, और यहाँ पर नीचे एक मैट है, ये भी मैंने खुद से बनाया है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने खुद से ही बनाई। ओह सॉरी, मैं आपको उसके ऊपर वाला दिखाना भूल गई। हाँ तो देखिए, मिलवाते हैं अपने फ्रेंड्स से। तो यहाँ पर डोरेमोन की बुक्स है, ये बहुत इजी है बनाना, एक दो तीन चार फोर बुक्स, क्योंकि फोर डॉल्स हैं तो मैंने फोर बुक्स बनाई हैं। इसको हम रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया रखने वाला बुक्स को, ये रख दिया। ये देखिए, ये है मेरी डॉल, ये मेरी डॉल है हीना है, और ये स्पार्क है, और ये शाइनी है, और ये खुशी है। मैंने सबके नेम रखा है, अभी इसके रूम से मिलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये भी एक अम्ब्रेला है, देखिए फ्रेंड्स ये अम्ब्रेला है, पर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक देखिए वाटर है, ये रियल वाटर है, इसके अंदर एक्वेरियम है, मैंने बना दिया। यहाँ पर एक टॉय है बड़ा सा, पर एक कैंप करने के लिए है, मतलब पिकनिक पर जाने के लिए। यहाँ पर ऐसे रखा है, मैंने रख दिया है। हाँ तो चलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स है, यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर ड्रम है, यहाँ पर स्टिचिंग मशीन है, ये बहुत ही क्यूट है, ये मैंने क्ले से बनाया है, बहुत इजी है इसको इसको भी बनाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं। उसके नीचे एक बाउल है, उसके नीचे उसके अंदर टूप रख, यहाँ पर एक लैम्प है, दो ट्रॉली बैग्स हैं, ये मैंने साबुन के डब्बे से बनाई है, हम रख देते हैं। और
फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको रूम दिखा दिया, सॉरी इसको दिखा दिया, यहाँ पर मैंने एक फ्लावर वाला कर दिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर इसमें पिलो है और ये मैंने उसके सोन पापड़ जो नहीं होता उसके डब्बे से बनाया। आपको विश्वास नहीं होता दिखा भी देते हैं हम आपको। तो चलते हैं अपने यहाँ पर ये वाले रूम में। ये रूम में प्रेटी है, यहाँ पर मैंने पिंक शेड दिया है। मैंने सोचा नहीं था मेरे डॉल, ये मैंने जब मेरे डॉल नहीं आया था तभी मैंने सोचा मेरी डॉल बहुत छोटी होगी, इसलिए मैंने इसका छोटा सा रूम बना दिया था। और यहाँ पर सारे कपड़े हैं मेरे डॉल के। यहाँ पर एक अलमीरा है रखी, यहाँ पर बैग है डॉल का, ये मैंने माचिस के डब्बे में। यहाँ पर एक चेयर है, यहाँ पर दो जो वो डॉल मैंने आपको नहीं दिखाई थी उसको बैठा सकते हैं। यहाँ पर ब्रश है, इस ब्रश को हम रख सकते हैं कहीं भी ऐसे कर सकते। और चलते हैं इसके ऊपर वाले में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक डस्टबिन है, यहाँ पर एक बैठने वाला है, यहाँ पर एक मतलब वो क्या कहते हैं बैग है, बैग। तो यहाँ पर टू पिलोज है, यहाँ पर एक बार भी मतलब सॉरी यहाँ पर एक फोटो फ्रेम लगा है, यहाँ पर बी लिखा है, टू स्टिकर लगे, यहाँ पर बारबी की फोटो लगी है, यहाँ पर फ्लावर है। इस मैंने इसको मैंने पिंक और ब्लू से कर दिया है मतलब इस रूम को। यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर बुक्स है और यहाँ पर एक नोटबुक है मतलब यहाँ डायरी है उसकी। यहाँ पर टू मोबाइल फोन्स है, ये भी बनाना बहुत ईजी है। और लैपटॉप है और पेंसिल स्टैंड है, फ्लावर वेस है, ओ सॉरी फ्लावर वेस है। तो मैंने इस रूम की सारी चीजें आपको दिखा दी है। ओ ये टेबल है, टेबल भी बनाना बहुत इजी है। हाँ तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने इस वाले रूम में, ओ सॉरी बाथरूम में। तो यहाँ पर पहले एक शेल्फ आती है, यहाँ पर है पहले यहाँ पर डर्टी क्लोथ्स रख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू है गंदगी साफ करने वाली है, मैंने ऐसे रख दिया था। यहाँ पर भी है पर नीचे क्लोथ्स हैं, यहाँ पर भी है, ये वॉशिंग मशीन है, टॉयलेट पेपर है, सोप है, टॉयज है, टॉयज है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने इसको रूइस भर दिया, यहाँ पर मैं रूइस भर दिया इसको, सिंक है, यहाँ पर ब्रशेज रखे हैं, यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर टॉवेल वाला रखा है मैंने, वहाँ पर बकेट है, बकेट और ब्रश है वहाँ पर। देखिए चलते हैं किड्स रूम में। ओ ये क्या हो गया? तो फ्रेंड देखिए वो बच्चे आए थे इसीलिए बहुत से सारा सामान गिर गया था। तो कहाँ से स्टार्ट करें हम? यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर एक पर्स है मेरी डॉल की, यहाँ पर एक क्लोथ है, इसको हम निकाल कर कहीं भी लगा सकते हैं पर अभी हम इसको निकाल देते हैं क्योंकि इसको हम कहीं और जगह से। यहाँ पर बारबी लिखा है, यहाँ पर एक चेरी की फोटो लगी, लीची की। यहाँ पर एक सोफा है, ये मैंने भी एक बॉक्स से बनाया था। पर टेबल है, बारबी की फोटो, टू कप्स हैं गिर गए हैं और रिमोट है। यहाँ पर एक टीवी है ना इसीलिए। यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल में टू पर्ल, टू क्लचर, टू नेकलेस और एक फाउंडेशन रखा है। यहाँ पर मेरे डॉल के दोनों ड्रेसेस हैं, यहाँ पर उसका खड़े होने वाला है। और यहाँ पर एक चूजा है, ये जलता भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए जल रहा है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बंद हो गई। यहाँ पर एक फ्लावर वेस है, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर पहले सोफिया की फोटो लगी थी, यहाँ पर एक डॉल की साइकिल है, यहाँ पर टू बैठने वाला है, मेरे डॉल का स्टडी टेबल है, यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर भी बुक्स है, यहाँ पर टॉय है, यहाँ पर भी टू टॉयज है, यहाँ पर एक ऊपर ऐसे रखा गेम है, यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर मेरी डॉल के क्लोथ्स हैं, यहाँ पर उसके टू टॉयज हैं, ये शार्पनर थे मैंने इसको बना दिया टॉय। देखिए फ्रेंड तो यहाँ पर बुक्स और डॉगी की फोटो लगी है,
यहाँ पर एक स्माइली है, यहाँ पर बार्बी की, यहाँ पर किटी की, यहाँ पर उन दोनों का नेम लिखा है, खुशी एंड साइनी। बार्बी की फोटो लगी है, यहाँ पर ऊपर कार है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेड है। बेड बहुत छोटा है, लेकिन मेरे डॉल्स इतने छोटे हैं, वो इतने में आ जाती हैं। तो ये देखिए, टू पिलोज है मैंने बनाई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ओ सॉरी पेंसिल आ गई। यहाँ पर एक मैट है, ये मैट बहुत इजी है बनाना और बहुत अच्छा भी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने सबसे ऊपर वाले रूम में, मैं बहुत थक गई। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर टू बैठने वाला है, यहाँ पर एक आई मास्क है, यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर एक वो है, क्या कहते हैं, करने वाला। यहाँ पर टेबल है, पर फ्लावर है, यहाँ पर एक वो है शेल्फ है, यहाँ पर टू कैप्स है, बकेट है बच्चों के लिए खेलने के लिए, पिचकारी है। यहाँ पर बहुत ढेर सारी बुक्स हैं, और यहाँ पर एक वो वैसा ही है, और यहाँ पर गैस है, यहाँ पर पेंट है। तो ये तो हो गया है, चलते हैं रूम में। पहले हम यहाँ से इसके मिल लेते हैं। यहाँ पर इसका आता है पूरा एक्सेसरी। तो यहाँ पर है टू क्रीम्स, मेकअप बॉक्स, लिपस्टिक, टू फाउंडेशन एंड स्प्रे, नेकलेस, नीचे वाले में नेकलेस और नीचे वाले में कुछ वगैरह वैसी चीजें। यहाँ पर मैंने इसको पोल लगा रखा है ताकि गिरे ना, नहीं तो कार्डबोर्ड का बना ना गिर भी सकता है कभी भी। यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक है, देखिए फ्रेंड्स, एक कान में लगा सकती है मेरी डॉल। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर वो जो कोई भी डॉल अगर लेट सोकर उठेगी तो उसके लिए ये है। यहाँ पर फूड है, यहाँ पर बी लिखा है, ये अलमीरा मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकती, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं ना खोल कर अलमीरा दिखाओ। यहाँ पर एक लैम्प है, शूज है, नेकलेस है, वो सॉरी गिर गया वो। तो टू पिलोज है, फोर पिलोज है। और चलते हैं रूम की शेप दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राइंग बनाई है ऐसे ताकि अच्छा लगे। इस मतलब इसको मैंने पिंक, ब्लू और ग्रीन, लाइट ग्रीन से शेड किया। ये लैम्प भी मैंने बहुत मतलब उसको बनाया था, ये गिर भी जाएगा तब भी नहीं टूटेगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है। यहाँ पर एक बार्बी का स्टिकर लगा है, यहाँ पर स्नो वाइट है की लगी है। यहाँ पर ऐसे बार्बी बटरफ्लाई कैलेंडर है, बी क्लॉक, बार्बी फोटो, और यहाँ पर लिखा है मेरी डॉल का नेम हिंगा एंड स्पार्क। तो फ्रेंड देखिए, ये कैमरा मैंने बनाया है, कैमरा भी बहुत ईजी है बनाना। ये मैं इसको बेड है और वगैरह सारी चीज है। मैं इसको दिखाना भूल गई, ये सोफा है, सोफा। यहाँ पर रापुंजल की फोटो लगी है। तो कैसा लगा आपको ये लूम? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे ऊपर वाले में चलते हैं। तो यहाँ पर है पहले टेबल है, यहाँ पर टैबलेट है, यूट्यूब चल रहा है, यहाँ पर एक स्टैंड है, यहाँ पर अपनी डॉल अपना फोन रख सकती है। यहाँ पर पहले डस्टबिन आता है, ये तो वैसे ही साड़ी का डब्बा था, मैंने इसे कर दिया। यहाँ पर एक मैट है, ऐसे रख दिया मैंने। यहाँ पर एक बैठने वाला है, बैठ सकती है मेरी डॉल। ये शेल्फ मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि देखिए यहाँ पर सारी ग्लिटर वाली चीज है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एक पर्स है, एक डेकोरेट है, टू पर्स, हेयर बैंड, ब्रश, एक ऐसी नेम वाला है स्लाइटली। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक फ्लावर लगा है, यहाँ पर ऊपर मैंने रेनबो बना दिया है ताकि जब छत पर आए मेरी डॉल देखे उसके रेनबो। तो ये देखिए, ये है मेरी डॉल का ड्रावर। इसमें बहुत ढेर सारे क्लोथ है क्योंकि मेरी डॉल बहुत बड़ी है ना इसीलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स है, और ये देखिए यहाँ पर डॉल का वो है। यहाँ पर टू बॉल्स है, बैडमिंटन है और बैट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना।
ये बहुत ही बड़ा डॉल था। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, टाटा, बाय बाय।